भाई ये है, यहाँ पे लोकल उगती है क्या? हाँ लोकल है। कितने का किलो ये? ये 20 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़? वाह, बिलाही बोले आसाम में, इसमें बिलाही बोल रहे। तो ये आसाम के टमाटो को बिलाही बोलते हैं कि टमाटो को जनरली में बिलाही बोलते हैं? आसाम में आसाम में इसमें टमाटो इसमें बिलाही बोलते हैं। अच्छा, आसाम में इसमें टमाटो को बिलाही बोलते हैं भाई। कहाँ से आए हो? मैं तो वैसे गुवाहाटी से आ रहा हूँ। नाश्ता मिलेगा खाने के लिए? नाश्ता यहाँ अभी दुकानें बंद है। हाँ हाँ, थोड़ी देर मिलेगा शायद। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? जो पासपोर्ट वगैरह मिलता है, पूरी भाजी। हाँ जी जी। और इसके ब्रेड ऑमलेट, समोसा मिलते हैं? ब्रेड ऑमलेट सब मिलेगा। A very good morning guys, welcome back to the channel and finally समय आ गया है कि मैं reveal करूँ मैं कहाँ पे हूँ। So basically I am in Majuli, also known as Majoli. It's actually a river island on the Brahmaputra river of Assam. और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2016 में इस island को government of India ने एक district declare कर दिया था। So this becomes the first island that has been declared a district in India. Apart from that, यहाँ पे काफ़ी कुछ interesting चीज़ें जो आपको मैं थोड़े टाइम के बाद दिखाऊंगा। नाउ इट्स टाइम टू गो अराउंड एंड एक्सप्लोर। और अभी मुझे यहाँ पे फिश मार्केट दिख रहा है और चिकन मार्केट। चलो भाई, अपनी दो फेवरेट है फिश, चलो देखते हैं अंदर। मीठे पानी का मच्छी है क्या? तालाब का है? अच्छा, और ये क्या, ये जिंदा है क्या? इसका नाम क्या है? गुरोई। गुरोई। और ये साल भाई, इनका नाम उदय पॉइंट है। और मैं यहाँ से डेकेसन तक जा रहा हूँ। डेकेसन यहाँ पे एक रिवर एरिया है, तो मैंने हिच कर लिया है बाइक में। थैंक यू भाई। चलो, आप एक यूट्यूबर हो जी सर? हाँ भैया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली समय आ गया कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा, राइट नाउ आई एम इन मजुली, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मजुली। इट्स अ रिवर आइलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ आसाम। एंड इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था। सो दैट मेक्स इट द फर्स्ट आइलैंड विच बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड ब्यूटिफुल ट्राइब्स जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और फिलहाल मैं बैठा हूँ लोहित नदी या ट्रिब्यूटरी के पास। ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है। ऑलराइट, यहाँ पे एक भाई मिले मुझे जो अपने बोट पे मुझे उस तरफ लेके जाने वाले। और बाय द वे मैं बता दूँ, अभी वो बोट से पानी निकाल रहे हैं क्योंकि बोट थोड़ा सा ख़राब है, टूटा हुआ है, तो वो पानी रात को भर जाता है। बट देन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए इतना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चल जाता है। इससे पैर रख सकते हो क्या? पलटी नहीं रहेगा ना भाई? नहीं पलटेगा अब, बट बहुत दूर जा रहा है भाई, कैसे आऊँ मैं? छाती हाथ में लेके आया हूँ मैं ये बोट पे, कसम से बोलता हूँ। मैं अभी नहीं बैठने वाला इस पे। ऐसे पलटी वल्टी हो रही थी ना बोट में, बोला अब भी गया मैं। और मेरे को मेरे से आता भाई कैमरे का टेंशन है, वो गया ना तो फिर लग गए। मैं डूबा तो भी भाई मेरे को पता है कि बचा लेंगे, कैमरा गया तो कोई बचा नहीं पाएगा फिर उसको। ओ गॉड, इतनी पलटती है? छोटा है ना ये। अच्छा, छोटा इसके लिए। हाँ। बड़ा वाला इतना नहीं पलटता है? बड़ा वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर समझो ये वाली बोट अगर तुम लोग ऐसे कोई मच्छी पकड़ने के लिए बाहर थोड़ा लेके आते जहाँ पे लहर है, उधर तो नहीं चलेगी ना ये? चलेगा, ये दो आदमी को कुछ नहीं होगा। दो आदमी को कुछ नहीं होगा? मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया था अभी। हॉस्पिटल है क्या? चलो शुक्रिया भैया, थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम मोहम्मद अलीमुन शेख है। हाँ, मैं धुबरी से आया हूँ इधर माजोली, ये पेंटिंग करने के लिए।
अच्छा, ये पेंटिंग का काम आप ही करते हो? हाँ हाँ। भाइयों को मैंने भेज दिया अकेले, मैं थोड़ा चल के उधर आने का मन कर रहा, मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, मेरे को एक्सप्लोर क्या एक्सप्लोर ही करना है, मेरे को डरता नहीं है इससे सब। हट भाई, मुझे चलते चलते ना यहाँ पे एक फिशिंग का नेट दिखा है, चलो आके देखते हैं क्या हो। अच्छा हो यार, चल के आया मैं, ये देखो नजदीक से दिखा दूँ हम लोगों को। आगे एक भाई दिख रहा है मेरे को, वो भी ऐसी कुछ सेटअप लगा है, बट वहाँ पे टेंट नहीं है, उनके साथ बोट है, या फिर वो टेंट था उन्होंने निकाल दिया। भैया क्या कर रहे हो? मछली पकड़ने का चीज है क्या? बोट की जाली लगा रहे हो? अंकल जी एक्चुअली वहां पे मछली पकड़ने के लिए जाली लगा रहे। भैया कितना वक्त लगता है आपको ये लगाने में? एक घंटा लगता है। एक घंटा? और मछली पकड़ने के लिए कितना वक्त लगता है? मछली कितने टाइम में आती है उसमें? रात में आएगी। तो आप अभी लगा रहे हो? रात के लिए अभी लगा रहे हो? फिर वापस कब निकालोगे? वापस कब निकालोगे मछली? कल सुबह कितने बजे आओगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी मछलियाँ मिले। ये जो दिख रही है ना, ये बैम्बू की झाड़ है, और मुझे ना जब मैं वो इको लॉज में गया था, उन्होंने बताया था कि ये ऐसे वाले बैम्बू ना, जब 4-5 साल 6-7 साल एक्चुअली जब कड़क धूप पे रहती है और उसको एकदम अच्छा धूप मिलता है और वैसे वो मैच्योर होता ना, तो वैसे बैम्बूज़ एक्चुअल में 100 साल तक टिकते जब कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। अदरवाइज़ अभी आजकल तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है, तो 2-3 साल में काट देते बैम्बूस। तो वही बता रहे थे कि क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहा है पहले की तरह, क्योंकि कोई इतना लंबा मैच्योर्ड बैम्बू सप्लाई नहीं करता है, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पैसे बनाने हैं। और चल रहे काम चलाओ, कितना साइंस होता है ना, लाइक पुराने लोगों के तौर तरीके में, लाइक एवरीथिंग हैड अ मीनिंग, जो भी वो करते थे हर चीज़ में एक बुनियादी मतलब होती थी, लाइक ऐसे ही फिजूल में कुछ चीज़ किया नहीं जाता था। आई थिंक दैट्स वाई द मोर द ओल्डर जनरेशन और वर्ल्ड वी गेट इन टू, वी सी दैट लाइफ वॉज मच मोर सिंपलर एंड द वर्ल्ड वॉज मोर एट पीस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग। सो या, यहाँ पे भी एक मछली की जाल दिख रही है मुझे, और वो भैया बता रहे थे, तुम लोगों ने सुना होगा 3-4 बजे आके मछली निकालते हैं। एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया, मेरे इस तरफ लेफ्ट साइड में ना पूरा बैम्बू का खेती है। ट्राई करता हूँ अंदर जाने का, आई डोंट थिंक अलाउड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की खेती होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। Let's check. अगर हुआ तो मैं दिखाऊंगा, तो we have to sneak in. भाई यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है अंदर स्नीक करने का, किसी ने पकड़ा तो धपा धप मारेंगे मेरे को, तो ठीक है।
बचपन में बाप ने अच्छा ट्रेनिंग दिया है हमको इस चीज का, मतलब धपा धप मार रहे हैं ये सब घुसने उसने का नहीं। ओ वाओ भाई, इधर इतने सारे बैम्बू के हैं ना झाड़। ओ माय गॉड वाओ, सब बैम्बू के खेत है, कटे हुए भी है। आई डोंट नो ये जला हुआ मार्क क्यों है यहाँ पे, जलाए गए आई डोंट नो। और जहाँ पे ऐसे बैम्बू के खेत होते हैं ना, वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स या एलिफेंट्स का आने का एक्चुअली बहुत रिस्क होता है, बिकॉज यू नो इन द वाइल्ड एलिफेंट्स जनरली ईट लाइक ग्रास हो, ट्रीज, मतलब उन लोग ट्रीज़ का बाग भी खाते, रूट्स भी खाते, कभी कभी तो सॉइल भी खाते, और बैम्बूज ऑब्वियसली। तो इसीलिए जहाँ पे बैम्बू की खेती होती है, आप देखोगे तो कभी कभी जंगली इलाके में थोड़ा बाहर के एरिया में भी अगर आपका खेत होगा बैम्बू का, तो अगर उनको अंदर खाना नहीं मिला तो उन लोग बाहर आके पूरा तहस नहस करके आते। अब कैमरा लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा।